हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद सना। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी एंड टेस्टी गुड्डे बिस्किट से बनने वाला कपकेक, जो कि आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया होगा। हमने इसे ट्राई किया, काफ़ी यम बना था और काफ़ी कम समय में बनकर रेडी हो गया था। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर लेना। हमने यहाँ पर गुड्डे बिस्किट का पैकेट लिया हुआ है और इसे डालेंगे जार में इस तरह से तोड़कर, और इसे ढककर पीस लेना है। हमने सारे बिस्किट्स को पीस लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। काफ़ी इजी मेथड से हम आपको एक कपकेक बनाना सिखाएंगे। आप लोग किसी भी बिस्किट से इसे बना सकते हैं। एंड इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 स्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस, 1.5 इसमें डालेंगे मिल्क, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बैटर यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुका है। हमारे पास ये इस तरह का कप है, आपके पास कोई भी अवेलेबल हो तो कप ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड चारों तरफ से इसे लगा देंगे इस तरह से, ताकि केक इजीली निकल जाए। एंड हमने जो बैटर बनाया था इसमें डाल देना है और इसे टैप करेंगे, जो एयर बबल है इसमें से निकल जाए। एंड लास्ट में हम इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं अपने पसंद के। हमने इसे 10 से 15 मिनट तक बेक कर लिया है प्रेशर कुकर में। थोड़ा सा डाला था हमने साल्ट एंड इसे ढककर अच्छे से बेक कर लिया है, अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएगा कुकर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपकेक बनकर रेडी हो चुका है और अंदर तक भी परफेक्ट तरीके से पका है। हम इसे निकाल कर दिखाएंगे। तो काफ़ी स्पॉन्जी एंड टेस्टी बना था खाने में। आप लोग कभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। आप इसे चॉकलेट सिरप डालकर अच्छे से डेकोरेट करके बच्चों को खिलाएंगे तो काफ़ी मज़े से खाएंगे, या फिर आप टी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।